And ta-da! Here I am with my first meal. Oats, plain oats, 60 ग्राम प्लेन ओट्स खाता हूँ मैं अपने ब्रेकफास्ट में. और बहुत तेज भूख लगी यार, मैं लेट हो गया. एक्चुअली 12 बज रहे हैं, मैं ब्रेकफास्ट जल्दी कर लेता हूँ, बट 12 बज गया मुझे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं अपने इस घर में रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ, तो वाईफाई वाले भैया आए थे वाईफाई लगाने, और फिर मुझे पुराने वाले घर जाना पड़ा, अपना जो गैस का कनेक्शन आई जो गैस कनेक्शन उसे परमानेंट सरेंडर करना था, तो डिसकनेक्ट करवाना था उसको, तो उसकी टीम आई हुई थी तो मुझे वहाँ जाना पड़ा, और पापा ऑफिस गए हुए थे तो मुझे ही जाना पड़ा, इस वजह से मैं लेट हो गया. सो फटाफट मैं अपनी मील ख़त्म कर लेता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ, ठीक है. टाइम हो गया है 3, तुम्हारे भाई की बज गई है 2. आज तो सारी मीलें मेरी लेट होती जा रही हैं. तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने बताया था ना, पहले बताया था ना कि मेरा एसी ख़राब हो गया मेरे रूम का. सो फाइनली एसी ठीक हो गया है, काफ़ी नया एसी है, बस 700-800 साल हुए हैं. मेरे घर वालों के हिसाब से कोई चीज़ पुरानी नहीं होती. चलो छोड़ो, खैर छोड़ो, बैक टू द टॉपिक. हाँ, मैं ब्रेकफास्ट में बताना भूल गया था कि मैं ओट्स के साथ ना 1 स्पून पीनट बटर भी लेता हूँ, जल्दबाजी में बताना भूल गया था. सो अब मैं लंच कर रहा हूँ, लंच में मैं ले रहा हूँ 200 ग्राम्स राइस और 200 ग्राम दाल जो घर में बनी होती है, और 200 ग्राम दही और 50 ग्राम सोया चंक्स. अब आज मैं इतना ही ले रहा हूँ, और डेली मैं सैलेड भी लेता हूँ, लेकिन आज मैं लेट हो गया हूँ तो आज मैं सैलेड नहीं खा रहा हूँ, आज मैं सिर्फ यही खा रहा हूँ, ठीक है. तो ईट राइट, फ्यूचर ब्राइट. तो मैं ये मील ख़त्म कर लेता हूँ और फिर आपसे मिलूँगा प्री वर्कआउट मील में, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं ज़्यादा कुछ खा पाऊँगा आज प्री वर्कआउट मील में, क्योंकि लंच इतना लेट कर रहा हूँ. सो चलो देखते हैं कितनी जगह बचती है पेट में मेरे, उसके बाद देखते हैं कि प्री वर्कआउट मील में मैं क्या खाता हूँ, ठीक है. चलो सो गाइस, मैं जिम के लिए रेडी हो रहा था तो मुझे ये चीज़ दिखी. ये वेट मशीन है, जिससे कि मैं अपना जो भी फूड कंज्यूम करता हूँ उसको मैं वेट कर लेता हूँ, और उससे मैं मैनेज कर पाता हूँ अपनी कैलरीज वगैरह, कि कितनी कैलरीज लेनी है कितनी नहीं लेनी, इसकी हेल्प से मैं वो सब मैनेज कर पाता हूँ. और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया, ये आई थिंक 300 रुपये का है. सो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं इसे अमेज़ॉन से, और अपनी कैलरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं इसके थ्रू. और चलो मैं जिम के लिए रेडी हो रहा हूँ, जिम के लिए रेडी होकर मिलता हूँ आप लोगों से. और रेडी हो चुका है तुम्हारा भाई का जिम बैग, और तुम्हारा भाई भी रेडी हो चुका है जिम के लिए. सो आज हम करेंगे चेस्ट और बैक, और बड़ा मज़ा आने वाला है. वीडियो एंड तक देखना आप लोग, फिर मुझे बताना कमेंट्स में कैसा लगा आपको मेरा वर्कआउट आज का. चलो तो जिम में मिलते हैं. बहुत ही बेसिक जिम है, ओल्ड स्कूल. बाकी वर्कआउट करते करते पूरा जिम तो आपको दिख ही जाएगा. और उसके फुल देर बाद मैं वर्कआउट शुरू करूँगा अपना, जो कि आज करनी है मुझे चेस्ट और बैक. तो फटाफट प्री वर्कआउट भी लेता हूँ, और इसके बाद वर्कआउट अपना शुरू करता हूँ, और फिर आप लोग अपना वर्कआउट देखते हैं.
अभी जो तीनों अच्छा साहब आपने देखी वो तीनों को मिला के एक सेट होता है और ऐसे पांच सेट करने हैं। ये वार्म अप है हमारा और आप देख सकते हो कि वार्म अप में मेरी क्या हालत है और अब हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सो मैं दिखाता हूँ जो भी पहले एक्सरसाइज होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। गुड नाइट।